बजे के लगभग चंद गार्ड्स आए। उन्होंने लॉकअप का दरवाजा खोला और एक टीवी सेट अंदर पहुंचा दिया। सया रंग की एक मोटी लीड भी टीवी के साथ ही अंदर तक आई थी। ये क्या चक्कर है उस्ताद सर? शायद ये लोग हमें अंग्रेजी चित्रहार दिखाना चाहते हैं या फिर सिर्फ हॉरर होगा। हॉरर समझते हो ना तुम? मेरा मतलब खौफ। आप कहना चाहते हैं कि ये लोग हमको कोई खौफनाक फिल्म दिखाएंगे? ऐसा हो भी सकता है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन काफ़ी देर बाद। हम रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे जब अचानक टीवी की स्क्रीन रोशन हुई और उस पर इसी इमारत के मुख्तलिफ मनाजर नज़र आने शुरू हो गए। मनाजर खामोश थे, लेकिन कुछ के साथ आवाज़ भी शामिल थी। ये मनाजर चौंका देने वाले थे। एक मंजर में नीली वर्दी वाले चंद गार्ड्स ने तीन मादरजात भरन अफराद को छत से उल्टा लटका रखा था और कीबोकों की वहशियाना जरबों से उनकी खाल उधड़ रहे थे। फर्श पर खून के कतरे तवातुर से गिर रहे थे और बदनसीब बर्दों की चीखों से दरो दीवार लरज रहे थे। एक मंजर में पहरेदारों को दिखाया गया जो एक कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। अंदर एक मर्द और जन के सूखे सड़े जिस्म पड़े थे। ये दोनों फाकों से करीब उल मर्ग थे। पहरेदारों ने उन्हें ज़बरदस्ती को मशरूब पिलाया और वो दोनों पीते ही मर गए। मरने वालों की गर्दनों में स्याही माल सुराख देखकर अंदाज़ा हो गया कि उन्हें तेज़ाब पिलाया गया था। एक मंजर में चंद ने मनियामी हफ्शियों को दिखाया गया। उन्होंने एक फरबा अंदाम लड़के को कुर्बानी के जानवर की तरह पुख्ता फर्श पर गिराया और उसे अपने घुटनों के नीचे दबोच लिया। फिर देखते ही देखते उस चीखते चिल्लाते लड़के को छुरी से ज़िबा कर दिया गया। आदमखोर हफ्शियों ने लड़के का गर्म खून तांबे के एक बर्तन में जमा किया और बड़ी रग़बत से उसके घूंट भरे। इस वाक़े का सबसे अलमनाक पहलू ये था कि एक जवासाल औरत जो लड़के की माँ या बड़ी बहन थी, ये सारा मंजर देख रही थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो पहरेदारों की गिरफ्त में मछली की तरह तड़प रही थी। चंद लम्हे बाद एक और मंजर उभरा। उसमें खून से लथड़े हुए होंठों वाले आदमखोर हफ्शी जवासाल औरत को हविस का निशाना बना रहे थे। ये ऐसे मनाजर थे जिन्हें देखकर टीवी की स्क्रीन तोड़ने को दिल चाहता था। शायद हम दोनों में से कोई ये स्क्रीन तोड़ ही देता, लेकिन एक मंजर ने हमें दम बखुद कर दिया। हमने अपने साथी अली अहमद को देखा, वही अली अहमद जिसे पाशा के साथ अलहदा लॉकअप में बंद किया गया था और यहाँ आने के बाद हम अभी तक जिसकी शक्ल नहीं देख पाए थे। वो अली अहमद हमारे सामने था, लेकिन एक लाश की सूरत में। दो तनूमंद हफ्शी उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए अकूबत खाने से बाहर ले जा रहे थे। अली का गला कटा हुआ था और उसके सुर्ख नरखरे से बहने वाला खून घसीटती लाश के पीछे फर्श पर निशान बनाता हुआ चला जा रहा था। अली अहमद का बराई जिस्म उरिया था और उस पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे थे। अली अहमद की हालत से अंदाज़ा होता था कि उसकी आंखों के सामने उसके हाथों की उंगलियां काटी गई हैं और उसका पेट चाक किया गया है। हम सकते किसी कैफियत में सब देख रहे थे। मंजर तेज़ी से तब्दील हो रहे थे। जब ज़री ने मेरे इशारे पर टीवी को उठाकर ज़मीन पर पटखा, उस वक्त चंद बदनसीब गुलाम एक कतार की सूरत में फ़र्श पर बैठे थे। उनकी टांगों को ख़ास कस्म के शिकंजों में कसा गया था और उन्हें हिजड़ा बनाया जा रहा था। बदनसीबों की फलक शिगाफ चीखों से दरो दीवार लरज रहे थे। टीवी स्क्रीन टूटने की आवाज़ सुनकर चंद पहरेदार लपकते हुए हमारे लॉकअप की तरफ आए। वो हमें खशमगीन नज़रों से घूरते रहे, लेकिन किसी ने भी हमसे किसी तरह की बारसपोस नहीं की। जो कुछ हमें दिखाएगा उसका मकसद हरगिज़ ढका छुपा नहीं था। ये एक तरह से हम पर ज़हनी तशद्दुद था। हमें खौफजदा किया जा रहा था ताकि जब हमसे पूछताछ शुरू हो तो हम ज़्यादा मज़ाहमत ना कर सकें। ऐसी बात नहीं थी कि हम किंग ब्राउन के जुल्म जबर से आगा नहीं थे, लेकिन वो लोग ये जुल्म जबर फिर से हमारे जहनों में ताज़ा कर देना चाहते थे। ज़री गुल ने दिलगीर आवाज़ में कहा, उस्ताद सर, अली अहमद बहुत अच्छा आदमी था। हमारा और उसका साथ बहुत तोड़ा रहा, पर हम उसका गुरविदा हो गया था। ख़ास तौर से उसकी निशानेबाजी ने हमारे दिल में सफदर साहब की निशानेबाजी का याद ताज़ा फरमा दिया था। उन कुत्तों ने हमारे अली अहमद को बहुत तकलीफ़ देकर मारा उस्ताद सर। आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे तो पाशा की तरफ से भी ख़तरा महसूस हो रहा है। क्या मतलब? जिस टॉर्चर सेल में अली अहमद को कत्ल किया गया, उसके फ़र्श को तुमने गौर से नहीं देखा। वहाँ एक और शख्स के कपड़े भी पड़े हुए थे और ये भी लग रहा था कि कोई लाश घसीट कर ले जाई गई है। क्या पता वो पाशा की ही लाश हो। ज़री के चेहरे पर गहरे कर्ब के आसार नज़र आने लगे। शायद ये लोग अली अहमद से भी शेख कासिम का पता पूछना चाह रहा था। हाँ, इस वक्त शेख को ढूंढना उनके लिए दुनिया का अहम तरीन काम बना हुआ है। कुछ ही देर बाद मौत के फरिश्ते फिर नमोदार हो गए। ये नीली वर्दियों वाले गार्ड्स थे। उनके साथ हसबे मामूल सफ़ेद कनपट्टियों वाला इस्मत सीनियर भी हमरा था। मैं समझ गया कि आज की रात बहुत भारी है। मुझे या ज़री को बाहर ले जाया जाएगा। दिली दिल में मैं फिर यह आरजू करने लगा कि ज़री को ना ले जाया जाए। मैं तहिया कर चुका था कि अगर इन लोगों ने ज़री को ले जाने की कोशिश की तो मैं भरपूर मज़ाहमत करूँगा। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि मुझे फ़ौरी तौर पर कत्ल करने के बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते। पहले इन लोगों को सिर्फ शेख का था पता दरकार था। अब ये दोनों गाती गुड़ियों के बारे में भी मुझसे दरियाफ्त करना चाहते थे। उसके अलावा ये शुबा भी हो रहा था कि मनोरा वगैरह दफीने के मामले में दिलचस्पी रखते हैं।
जब किसी कैदी को कत्ल ना किया जा सकता हो और उसे काबू में भी रखना हो तो यह खासा दुश्वार काम होता है। यही सबब था कि इस्मत वगैरह मेरे सिलसिले में बेहद एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, इस्मत का ताल्लुक स्कॉटलैंड पुलिस से था। वो साबिक जेलर था और ख़तरनाक तरीन कैदियों को हैंडल करने का माहिर समझा जाता था। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। इस्मत और मौत के दीगर फरिश्ते इस मरतबा भी मुझे ही ले जाने के लिए आए थे। मुख्तसर मकालमे के बाद मैं हस्बे साबिक सलाखों से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। पहले मेरे हाथों को उल्टी हथकड़ी लगाई गई, फिर पाँव को जकड़ा गया। मैं राइफलों के नलके में बाहर निकला। जरी गुल का रंग हल्दी हो रहा था। वो समझ गया था कि आज मुझ पर सख्ती की जाएगी। कोई और मौका होता तो शायद वो खुद पर काबू नहीं रख सकता, लेकिन उसने ताज़ा ताज़ा कसम खाई थी और इस कसम का तकाजा था कि वो किसी तरह की मज़ाहमत करके अपनी और मेरी जान खतरे में ना डाले। वो पत्थर की तरह साकित खड़ा मेरी तरफ़ देखता रहा और पहरेदार मुझे आहिस्ता रवि से चलाते हुए कॉरिडोर में ले गए। बरकों में किंग ब्राउन के कैदी सोने की तैयारियां कर रहे थे। कुछ सो चुके थे और कुछ ऊँग रहे थे। ये ग़ुलाम रूहें थीं। उनकी बदकिस्मती उन्हें ना जाने कहां कहां से खींचकर इस वसी और जंदान में ले आई थी। अब उन्हें एक नए रूप में ढाला जा रहा था। उन्हें ग़ुलामी के मुकम्मल आदाब सिखाए जा रहे थे। बिकाऊ माल की तरह उन्हें बना सवार का ख़रीदारों के सामने पेश किया जाना था। और ख़रीदार कौन थे? ज़्यादातर यूरोप के लॉर्ड्स, ड्यूक्स, प्रिंस और सरमायादार लोग। ये लोग इंसानी हुकूक और रोशन ख्याली के अलमबरदार थे, लेकिन उनके अंदर गहराई में अब भी कहीं एक कदीम आका छुपा हुआ था। मुझे एक चौकोर कमरे में पहुंचाया गया। इस कमरे को देखते ही मेरे बदतरीन खदशे हकीकत में बदल गए। ये एक वैसा यकूबत खाना था जैसा मैंने कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर देखा था। यह मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था और यहाँ इज़ा रसानी की बेशतर सहूलतें नज़र आ रही थीं। ज़िंदगी में पहले भी कई ऐसे मौके आए थे जब मैं इसी तरह बेबस हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों इस मरतबा दिल कुछ ज़्यादा ही दुखी था। शायद इसलिए कि एक बहुत बड़ी खुशी के फ़ौरन बाद ही बेरहम हालात ने मेरा घेराव कर लिया था। मैं गज़ालों को पाने की खुशी पूरी तरह सेलिब्रेट भी नहीं कर सका था। इस जाफिज़ा और हयात बख्श एहसास को पूरी तरह अपने अंदर जज्ब भी नहीं कर सका था कि ताक़ुब करने वाली आफात ने मुझे आधा बोचा। मैंने सोचा कि एक दिन के लिए सबसे अलग थलग हो जाऊंगा। किसी बजरे में बैठकर समंदर में बहुत आगे निकल जाऊंगा। अरशे पर चित लेटा रहूंगा और इन मरहलों को याद करूँगा जिनसे गुजर कर मैं गजाला तक पहुँचा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लाने वाले गार्ड्स चले गए और उनकी जगह 3-4 जल्लाद सूरत अफराद वहाँ आ गए। मैं जान गया कि खेल शुरू होने वाला है। मेरा ख्याल था कि अभी चंद सेकंड्स में प्रिंस दोराब नमूदार होगा और मुझ पर गरजना बरसना शुरू कर देगा, लेकिन भारी कदमों के बजाय जनाना कदमों की चाप सुनाई दी और फिर कौसिया पतलून कमीज़ में नमूदार हुई। उसका सीना गैज़ो गज़ब से तना हुआ था और पेशानी तमतमा रही थी। उसने गार्ड्स को एक जारहाना इशारा किया। अकब से गार्ड तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने मेरे पाँव की जंजीर में खुक सी डाल दी। मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं औंधे मुंह फर्श पर गिरा। गिरते हुए मैंने तेज़ी से पहलू बदला। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा चेहरा फर्श से टकराता और कई दांत हलक में उतर जाते। फिर भी जिस्म को शदीद झटका लगा। चंद ही सेकंड बाद मैं टॉर्चर सेल की छत से उल्टा लटक रहा था। आखिर पांसा पलट गया था। कौसिया उस मकाम पर नज़र आ रही थी जहाँ कुछ अर्सा पहले मैं था और मैं कौसिया की जगह नज़र आ रहा था। इसके कपड़े उतार दो, कौसिया की कड़कदार आवाज़ टॉर्चर सेल में गूंजी। गार्ड्स वहशी कुत्तों की तरह झपटे और ज़रा देर में मेरा लिबास जिस्म से अलहदा कर दिया। अब एक जेर जामे के सिवा मेरे जिस्म पर कुछ नहीं था। वो बिफरी हुई शेरनी की तरह मुझ पर झपटी और मुझ पे कीबोकों की बारिश कर दी। कीबोकों की जरब बड़ी जालिम होती है। ये एक जहर में मुझे हुए तीर की तरह जिस्म में घुसता है और खाल को चीरता चला जाता है। 2 मिनट के अंदर ही मेरी जिल्द से खून के कतरे टपकने लगे। मैंने अपनी कराहें पूरी ताकत के साथ अपने होठों में दबा रखी थी। आखिर कौसिया हाँप गई। उसका बाजू शल हो गया। उसकी ज़रबों में पहली सी ताकत नहीं रही। उसने कीबो को एक तनूमंद गार्ड के हवाले किया और उससे मुझे पिटवाने लगी। इसी दौरान में जल्लाद सूरज शख्स यकबस्ता पानी से भरी हुई बाल्टी ले आया। ऐसी ही बाल्टी मुझे लंदन के पुलिस स्टेशन में भी नज़र आई थी। गालिबन कौसिया सिलसिला वहीं से शुरू करना चाहती थी जहाँ से टूटा था। मुझे यकबस्ता पानी में एक तवील गोता दिया गया और जब मेरा दम टूटने लगा तो बाहर खींच लिया गया। कौसिया ने बेतरेक मेरे सर पर एक ठोकर मारी और गुर्रा कर बोली, कहाँ है मेरा भाई? तुमने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। मेरी जान तो ले सकती हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझसे कुछ पूछ नहीं सकती। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी जान ही ले लेती हूँ। वो चिंगाड़ी और गार्ड के हाथ से छड़ी लेकर दीवानावार मुझ पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद उसके हुक्म पर मुझे फिर सर्द पानी में गोते दिए गए। हर इंसान में तकलीफ़ बर्दाश्त करने की घात होती है। किसी में यह जल्दी आ जाती है और किसी में ज़रा देर से। जब तकलीफ़ नाकाबले बर्दाश्त होती है तो कुछ में समाजत पर उतर आते हैं, कुछ चीखने चिल्लाने लगते हैं, कुछ बस करहाने पर इक्तफा करते हैं। एक ख़ास दर्जे पर पहुंचकर कोई भी होश में नहीं रहता। बेहोशी एक सर्किट ब्रेकर की तरह होती है। हद से ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर सर्किट ब्रेक हो जाता है और मशीनरी ज़ाहिर होने से बच जाती है।
पानी में बार बार डूबने से मेरे फेफड़े फटने के करीब हो गए थे। आंखों के सामने धुंध सी फैलती जा रही थी, फिर एकदम गहरी तारीकी छा गई। 10-15 मिनट बेहोश रहने के बाद जब मैं होश में आया तो एक सफ़ेद फार्म डॉक्टर बीपी ऑपरेटर्स के जरिए मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने में मसरूफ़ था। मैं बदस्तूर छत से उल्टा लटका हुआ था और कौसिया बदस्तूर सीना ताने मेरे इर्द गिर्द चकरा रही थी। उसकी आंखों में रहम की कोई रमक नज़र नहीं आती थी और मुझे उससे ऐसी कोई तवक्को भी नहीं थी। डॉक्टर पीछे हटा और कौसिया के इशारे पर बाहर निकल गया। इस डॉक्टर की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, शायद मारिया ट्रस्ट में मैंने उसे कहीं देखा था। डॉक्टर के बाहर जाते ही कौसिया ने खास गार्ड्स के जरिए एक बार फिर मुझ पर तशद्दुद शुरू करा दिया। चर्मी कौड़े और कीबोकों की ज़रबें एक बार फिर मेरे जिस्म पर पड़ने लगी। मेरे जिस्म से किसी वक्त करह निकल जाती और ये करह कौसिया के कानों में अमृत की तरह टपकती थी। उसका रवैया कुछ और जारहाना होता जा रहा था। मुसलसल उल्टा लटकने से मेरी एक पिंडली से खून रिसने लगा। उस पिंडली पर पहले से एक ज़ख्म मौजूद था जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। ये ज़ख्म कोलंबो के साहिल पर बजरंग वाले वाक़े की निशानी था। बजरंग ने तफरीही बजरे में खुदकुशी कर ली थी और अपने साथ बजरे को भी ले डूबा था। उस डूबते हुए बजरे में कौसिया हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी। मैंने अपनी जान पर खेल कर कौसिया की जान बचाई थी। इस कोशिश के सिले में वो मुझे ये तकलीफ दे ज़ख्म देकर चली गई थी। आज अपने दिए हुए ज़ख्म को वो मज़ीद गहरा कर रही थी, साथ साथ वो चिल्ला भी रही थी, बताओ मेरा भाई कहाँ है, बताओ क्या किया तुमने उसके साथ, क्या किया। वो मुझे मर्दाना अंदाज में गालियां दे रही थी और उछल उछल कर अपने जौगर से मेरे मुंह पर ठोकरे मेरे जिस्म पर ठोकरे रसीद कर रही थी। मेरे हाथों पर भी कीबोकों की बेशुमार ज़रबें लगी थी और यूँ लगता था कि एक आध उंगली भी टूट गई है। मुझे रुखसत करते वह गजाला ने इन्हीं हाथों पर बोसे दिए थे, शायद उसे मालूम था कि ये हाथ सख्त अजियत से गुजरने वाले हैं। वो सख्त अजियतनाक रात थी। पिछले पहर यकबस्ता पानी में गोते खाते खाते मुझ पर एक बार फिर गशी तारी हो गई। इस मरतबा ये वक्फा काफ़ी तवील था। मैं दोबारा हवास में आया तो मेरे सर पर वो बेपना दबाव नहीं था जो मुसलसल उल्टा लटकने से पैदा होता है। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी शय पर सीधा लेटा हूँ। पूरा जिस्म जैसे फोड़ा बना हुआ था। सर से पाँव तक एक तेज़ चुभन और जलन भरी हुई थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं था। मेरे कानों में कौसिया की मनहूस आवाज़ पड़ी। वो किसी गार्ड पर बरस रही थी। यू बास्टर्ड सन ऑफ बिच, जब मैं तुम्हें ताकीद करके गई थी कि उसे उतारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मालकिन, लेकिन फिर वही लेकिन। कौसिया गार्ड की बात काट कर गुर्राई और उसका ज़ोरदार तमाचा गार्ड के चेहरे पर पड़ा। कौसिया ने गार्ड को फौरन दफा हो जाने का हुक्म दिया। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से देखा। मैं अभी तक उसी साउंड प्रूफ अकूबत खाने में था। मेरी तरफ कौसिया की पुश्त थी। उसका लिबास बदला हुआ था, पाँव में जॉगर्स की जगह मर्दाना बूट नज़र आते थे। वो अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाले बड़ी शान से खड़ी थी। एकदम उठकर कौसिया को अकब से छाप लेने का ये सुनहरी मौका था, मगर इस मौके से फ़ायदा उठाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे दोनों हाथ और पाँव मुसलसल बंधे हुए थे। कौसिया मेरी तरफ घूमी, मैंने अपनी अधखुली आँखें फिर से बंद कर ली। उसने मेरे सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और कई ज़ोरदार झटके दिए। फिर उसके हुक्म पर गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने एक मरतबा फिर मुझे छत से उल्टा लटका दिया। जिस्म का सारा खून एक मरतबा फिर सर में जमा हो गया और कनपट्टियाँ दर्द की शिद्दत से फटने लगी। सुर्ख रंग की वो किंग साइज़ बाल्टी मुझे दोबारा अपने चेहरे से 2 फुट के फासले पर नज़र आ रही थी। यखबस्ता पानी से भरी हुई यही टबनुमा बाल्टी थी जिसने मुझे कल रात अजियत के नाकाबले बयान तजुर्बे से गुजारा था। मैंने इस बाल्टी में कई बार कैद की थी और इसी आलूदा पानी में मुझे फिर गोते दिए गए थे। अब फिर ये बाल्टी और मैं आमने सामने थे। कौसिया चीख कर बोली, मकर मत करो शाहजहान, मैं जानती हूँ तुम होश में हो, आंखें खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आंखें नीमवा की। इस टॉर्चर सेल से निकलने के लिए तुम्हारे पास बस 2 रास्ते हैं। हमें आसिम भाई के बारे में बताओ कि वो कहाँ हैं। दूसरी सूरत में इस बात का एतराफ़ कर लो कि तुमने उनकी जान ली है और हमें उनकी डेड बॉडी तक पहुँचाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं। मैंने ज़रूरी समझा तो तुम्हें 1 साल तक इसी तरह लटकाए रखूँगी। ज़िंदगी और मौत के दरमियान यूँ ही उल्टे लटकते झूलते रहोगे तुम। मैंने एक बार फिर अपनी आंखें मूंद ली। कौसिया ने एक दराज कद हबशी गार्ड को इशारा किया और उसने मेरे उरिया जिस्म पर एक बार फिर कीबोको बरसाना शुरू कर दी। कीबोको की शाये शाये के साथ ही जिस्म में आजशी दर्द उतरने लगा। रात वाले ज़ख्म फिर से रिसना शुरू हो गए और खून के ताज़ा कतरे फर्श पर टपकने लगे। कुछ कतरे पानी से भरी बाल्टी में भी गिर रहे थे और बाल्टी का साफ पानी मटियाला होता जा रहा था। मैंने हत्तुल इम्कान अपने होंठ बंद रखे, फिर मध्यम कराहें होठों से निकलने लगी। जहन पर दोबारा धुंध सी छाने लगी। इर्द गिर्द की आवाज़ें दूर जाती महसूस हो रही थीं। तकलीफ़ की शिद्दत कम होने लगी। मेरे एहसास को ज़िंदा रखने के लिए मुझे सर्द पानी में चंद गोते दिए गए और एक बार फिर कीबोकों की जहरीली फनकारें सुनाई देने लगी। टॉर्चर सेल की सर्दी में कीबोकों की ज़रबें कुछ ज़्यादा ही अजियत दे रही थीं। मैं बहुत गुनाहगार बंदा था, लेकिन मेरी तमाम पर कोताहियों के बावजूद कुदरत ने अक्सर मेरा साथ दिया था।
जब भी मैंने बेबसी और अजियत की इंतहा को छुआ था और फरिश्ता अजल के परों की फड़फड़ाहट मैंने अपने कानों के करीब महसूस की थी, कहीं ना कहीं से कोई मदद ज़रूर आई थी। मैं अब भी किसी ऐसे ही मदद का मुंतज़र था। मैं कौसिया के हाथों दर्द के दरिया में डूबा हुआ था और सोच रहा था, मेरा तरीक़ाकार जो भी रहा हो मगर मेरे मकासद तो बुरे नहीं हैं, मेरे इरादे तो नेक ही हैं। मैं और मेरे साथी बुराई के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और बग़ैर किसी दुनियावी लालच के। नवादरात की फ़रोख ने हमें करोड़पति बना दिया था। ये इतनी दौलत थी जो कई नस्लों तक बग़ैर किसी कोशिश के हमें दुनिया की बेहतरीन आसाइशें फराहम कर सकती थी। उसके बावजूद मैं ज़ख्मों से चूर यहाँ उल्टा लटका हुआ था, ज़री गुले ख़तरनाक कैदी की हैसियत से लॉकअप की अजियतें झेल रहा था। सफदर अपनी आँखें गंवा कर पुरंदेश तारीखियों में भटक रहा था और गजाला वो ताबी को सीने से लगाए डरी सहमी किसी गोशे में दिपकी हुई थी। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, हमें नाम नमूद और चौहरत की ख्वाहिश भी नहीं थी, हमें मादी फ़ायदे भी दरकार नहीं थे, फिर भी हम मारे खा रहे थे और असर हाज़िर के चंद बदतरीन जाबरों के सामने डटे हुए थे। कोई और ना देख रहा हो लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा था, और जब वो देख रहा था तो फिर हमें न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमें दानिश्वरों के तारीफ़ी कलमात दरकार थे, ना ही हुकूमती अवार्ड से हमारी इज़्ज़त में कुछ इजाफा हो सकता था। हमने एक दफ़ा पहले भी किंग ब्राउन के सोमनाथ को पारा पारा किया था, उस वक्त भी किसी ने हमारे गले में फूलों के हार नहीं पहनाए थे बल्कि उल्टा हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। अब हमें हारों की भी ज़रूरत नहीं थी। हबशी गार्ड के कीबोकों की चंद ज़ोरदार ज़रबे मेरे सर और चेहरे पर लगी। नाक से टप टप खून के कतरे बाल्टी में और फर्श पर गिरने लगे। आँखों के सामने नीली पीली चिंगारियाँ उड़ रही थीं, शायद फिर गशीतारी होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चौथी पाँचवीं दस्तक पर कौसिया ने दरवाज़ा खुलवाया। मुझे मनोहरा की सूरत दिखाई दी। मुझे कौसिया के हाथों ज़ेर आताब देखकर उसके चेहरे पर नागवारी की शिकने उभरी। वो बोली, मिस कौसिया, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी जान भी जा सकती है, अगर ये मर गया तो बहुत बुरा होगा। मनोरा साहिबा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मैं आपसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ, प्लीज़ आप इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो। लेकिन जब मैं सुबह सवेरे आई तो इसकी सांस उखड़ी हुई थी, आप जानती हैं सांस ज़्यादा देर तक बंद रहे तो बंदे का दिमाग मुतासर हो जाता है, इस तरह ब्रेन का डैमेज हो जाना। मनोरा साहिबा प्लीज़, डॉक्टर वॉल्टर मेरे साथ मुसलसल रबते में हैं, हम गाहे बगाहे से चेक करवा रहे हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात मेरी समझ में आ रही थी कि कुछ देर पहले मनोरा की हिदायत पर ही मुझे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। गालिबन तब कौसिया टॉर्चर सेल में मौजूद नहीं थी। वापसी पर वो खासी भरम हुई थी। मनोरा के सैंडल की ठक ठक मुझे सुनाई थी। मनोरा ने करीब आकर मेरी गर्दन पर उंगलियां रखी और मेरी नब्ज़ वगैरह को महसूस किया, फिर मेरे पपोटे उठाकर पुतलियों की रंगत वगैरह देखी। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर वॉल्टर को फिर बुला रहे हैं, आप दखलंदाजी कर रही हैं। इस मरतबा कौसिया का लहजा काफ़ी सख्त था। आप समझने की कोशिश करें मिस कौसिया, ये सिर्फ आपका ही मामला नहीं है, प्रिंस को भी इस शख्स से कुछ मालूमात हासिल करनी है, और फिर ये शख्स किंग ब्राउन को भी दरकार है, अगर इसे कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी। आप जानती हैं कि किंग यहाँ मौजूद नहीं है, प्रिंस भी कल से बाहर गए हुए हैं, इस सूरत में देखो मनोरा तुम हद से बढ़ रही हो, मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस मरतबा कौसिया का लहजा बहुत ही सख्त था। और मुझे जो करना है वो मैं भी जानती हूँ, किंग की गैर मौजूदगी में यहाँ जो कुछ होता है इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो, कौसिया ने दोनों हाथ कूलों पर रखते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर वॉल्टर को यहाँ बुलाकर इससे मशवरा लिया जाए, और अगर मैं डॉक्टर को यहाँ ना बुलाना चाहूँ तो फिर मुझे तुमसे गुस्ताखी करना पड़ेगी, इंचार्ज की हैसियत से मैं मदाखलत की हकदार हूँ। इस मरतबा मनोहरा का लहजा भी सख्त था। मैं एक नीम जान चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ था और इन दोनों दबंग औरतों की कशमकश देख रहा था। हालात की सितम ज़रीफ़ी को महसूस कर रहा था। ना जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जिस मदद का मैं इंतज़ार कर रहा था वो इन 16 सिफत औरतों की कशमकश की सूरत में आन पहुंची है। अगले 3-4 मिनट में काफ़ी तल्ख कलामी हुई। एक तरफ अमारात के बहुत बड़े शेख घराने की नहायत हठधर्म बेटी थी और दूसरी तरफ शोबिस की एक नहायत बारसोख नायिका थी। बिलाखिर मनोरा डॉक्टर वॉल्टर को टॉर्चर सेल में बुलाने में कामयाब रही। पता नहीं क्यों डॉक्टर वॉल्टर को देखकर मुझे लगता था कि मैंने इसे पहले भी कहीं अच्छी तरह देखा हुआ है। मैं बदस्तूर छत से झूल रहा था। डॉक्टर ने तेज़ी से मेरे वाइटल साइंस चेक किए, पपोटे उठाकर मेरी आँखों का मुआयना किया और फिर मध्यम आवाज़ में बोला, हार्ट रेट ज़्यादा है, बीपी भी ऊपर जा रहा है, नाक से खून अगर चोट की वजह से निकल रहा है तो और बात है, वरना ये ख़तरा है कि शरियान फटने का अंदेशा हो सकता है। मनोरा ने फैसलाकुन लहजे में गार्ड्स को हिदायत की कि मुझे छत से उतार लिया जाए। मेरी नाक से खून मुसलसल टपक रहा था और बात सिर्फ नाक की ही नहीं थी, जिस्म की खाल कई जगहों से उधड़ चुकी थी और वहाँ से रिसने वाले खून की सरसराती हरकत मुझे जा बजा महसूस हो रही थी। खून के बहाव को देखकर कौसिया भी कदरे ठंडी पड़ गई थी।
बहरहाल मनोरा का फैसला उसने ठंडे दिल से कबूल नहीं किया। वो बड़बड़ाती और पांव पटकती हुई वहाँ से चली गई। जाने से पहले उसने डॉक्टर वाल्टर को हिदायत की कि जो ही मेरी हालत ज़रा बेहतर हो उसे फ़ौरन इत्तला दी जाए। गार्ड्स ने मुझे छत से उतारकर एक स्ट्रेचर नुमा बिस्तर पर लिटाया। मनोरा ने डॉक्टर वाल्टर को हिदायत की कि मुझे तिब्बी इमदाद दी जाए और ज़ख्मों को ट्रीट किया जाए। तहम मनोरा ने डॉक्टर को सख्ती से हिदायत कर दी कि मेरे हाथ पांव नहीं खोले जाएंगे और एक ख़तरनाक कैदी की हैसियत से मेरा सारा प्रोटोकॉल बरकरार रखा जाएगा। मनोरा के जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन ड्रिप लगाई, चंद इंजेक्शन भी दिए और मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। दरहकीकत पूरा जिस्म ही ज़ख्म था। शेखज़ादी ने खुद पर होने वाली सख्ती का सारा बदला मुझसे एक ही रात में ले लिया था। कीबोको ने तो मेरे साथ जो किया था वो किया था। मुझे ज़्यादा अजियत यखबस्ता पानी के गोतों ने दी थी। कई बार तो मुझे लगा कि यह गोता मेरा आखिरी गोता साबित होगा। मैं पानी से बाद में निकलूँगा, पहले रूह मेरे जिस्म से निकल जाएगी। इन सारी तकलीफ के बावजूद मैं ये महसूस कर रहा था कि डॉक्टर वाल्टर ने अपने मुआयने में मुझे कुछ रियायती नंबर भी दिए हैं। ये डॉक्टर वाल्टर मुझे कुछ अच्छा बंदा लग रहा था। मैंने दोपहर तक आराम किया। इस दौरान में कौसिया दो बार आई और मुझे देखकर चली गई। उसके तौर अतवार बता रहे थे कि वो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं देगी। गार्ड्स और डॉक्टर वगैरह अजीब मखमसे का शिकार नज़र आते थे। गालिबन वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इस कश्मकश में मनोरा के हुक्म को तरजीह दें या फिर कौसिया की बात माने। मुझे यूँ लग रहा था कि मनोरा की तरह कौसिया भी किंग ब्राउन के करीब है या माजी करीब में करीब हो गई है। डॉक्टर वाल्टर ने गालिबन कोई ख्वाबावर दवा भी मुझे दी थी। उससे तकलीफ की शिद्दत में कमी वाकई हुई और नींद भी आ रही थी। डॉक्टर वाल्टर ने एक और डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे हाथ की उंगली का छोटा सा ऑपरेशन भी किया था और पट्टी बांध दी थी। मेरे जहन में बार बार जरीगुल का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो किस हाल में था। मुझे अंदेशा था कि वो बेहद मुस्तरब होगा। मेरे वापस न आने की वजह से वो समझ गया होगा कि मैं सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। मेरी मुसीबत उसे आतिशफशा का रूप दे सकती थी। बहरहाल थोड़ी बहुत तसल्ली भी थी। जरी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। उस कसम के रोसे ज़रूरी था कि वो बदतरीन हालात में भी अपने दिलो दिमाग को ठंडा रखे। रात 8-9 बजे तक मेरी तबीयत कुछ बेहतर रही, लेकिन तब एक बार फिर नाक से खून रिसना शुरू हो गया। कनपट्टियाँ दर्द से फटी जा रही थीं। ख़ास तौर से एक कनपट्टी तो बिल्कुल फोड़ा बनी हुई थी। डॉक्टर मेरी नाक से रिसने वाले खून को तश्वीश से देख रहा था। डॉक्टर की मौजूदगी में ही मनोरा भी वहाँ पहुँच गई। उसने डॉक्टर के साथ थोड़ी सी खुसर पुसर की, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। मनोरा की बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे कौसिया की तरफ से भी तश्वीश है। ऐन मुमकिन था कि रात को किसी वक्त कौसिया फिर यहाँ आधमकती और मुझसे मारामारी शुरू कर देती। करीबन 15 मिनट बाद मैं एक स्ट्रेचर पर मौजूद था। मुझे कंबल से ढांप दिया गया था। स्ट्रेचर 2-3 मिनट तक हरकत में रहा, फिर रुक गया। मेरे चेहरे से कंबल हटाया गया। मैंने खुद को एक शानदार अपार्टमेंट में पाया। मैं यहाँ एक दफ़ा पहले भी आ चुका था। खूबरू लड़कों के हजूम में मनोरा से मेरी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी। बड़ा ख्वाबनाक सा माहौल था ये। फ़र्श पर दबीज कालीन, खिड़कियों पर हरेरी पर्दे, पोशीदा रोशनियाँ और कुर्बो जवार में फैली हुई भीनी सी खुशबू। नीली वर्दी वाले मुझे स्ट्रेचर पर छोड़कर चले गए। चंद नौजवान लड़कों ने मुझे बड़ी एहतियात और नरमी के साथ स्ट्रेचर से एक नर्मोगुदास बिस्तर पर मुंतकिल किया। नीली आंखों वाले एक नहायत खूबसूरत नौजवान ने मुझे सहारा देकर बिठाया और मेरी पुश्त पर चंद गुदास कुशन रख दिए ताकि मैं आसानी से टेक लगाकर बैठ सकूं। कमरे की छत पर एक काफ़ी बड़ा चमकदार दायरा सा नज़र आ रहा था, जैसे स्टील का एक बहुत बड़ा रिंग छत में नसब किया गया हो। मुझे उसकी असलियत समझ में नहीं आई। डॉक्टर वाल्टर ने आधा घंटा पहले मुझे जो इंजेक्शन लगाया था उसने अच्छा असर किया था। नाक से खून रिसना बंद हो गया था और कनपट्टी का दर्द भी बतदरीज कम हो रहा था। मैं अभी तक सिर्फ एक जेरजामे में था। इस आरामदेह अपार्टमेंट के नीम गर्म माहौल में पहुंचकर मुझे काफ़ी सुकून महसूस होने लगा। नौजवान खिदमतगारों ने मुझे मछली और चिकन से तैयार किया गया मकवी सूप पिलाया। सूप पीते ही जिस्म में तवानाई महसूस होने लगी। आँखें नींद से बोझल हो रही थीं। हल्की नीली रोशनियों और मधुर सी खुशबू में घिरने के बाद मैं खुद को एकदम हल्का फुल्का महसूस करने लगा। पता नहीं किस वक्त मुझे ऊँग आ गई। इस नीम ख्वाबी में भी माहौल की नरमी और गर्मी को मैं महसूस करता रहा। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली तो मनोरा को अपने करीब पाया। वो शब ख्वाबी के होशरुबा लिबास में थी और एक ईजी चेयर पर बहुत फैल कर बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में विस्की का ग्लास था और एस्ट्रे में सिगरेट सुलग रहा था। ग्लास खाली हुआ तो एक लड़का तेज़ी से आगे बढ़ा और बड़े मुअद्दिब अंदाज में कुछ और विस्की मनोरा के ग्लास में उंडेल दी। वो ग्लास भरने के बाद रुकू के अंदाज में मनोरा के सामने झुका हुआ था। मनोरा ने बड़े मस्ताने अंदाज में लड़के की गर्दन में हाथ डाला और उसके सुर्ख होठों का एक तवील बोसा लिया। फिर वो ग्लास से छोटी छोटी चस्कियाँ लेने लगी। मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए तुम्हें इतनी बेबसी और तकलीफ़ की हालत में देखा नहीं गया। काश तुम इस हालत को ना पहुँचे होते। मेरा ख्याल है कि तुमसे गलती हुई है। तुम्हें कुछ अर्सा पहले सब कुछ छोड़ देना चाहिए था।
तुमने बड़े बड़े मार के सर कर लिए थे, मारधाड़ की दुनिया में खूब नाम कमा लिया था। नवादरात की फरोख्त के बाद तुम्हें बहुत सा धन भी मिल गया था। तुम्हें चाहिए था उस वक्त अपनी प्रेमिका को साथ लेते और खामोशी से किसी तरफ निकल जाते, लेकिन शायद तुम भी उन लोगों में शामिल थे जो कंबल को छोड़ते हैं पर कंबल उन्हें नहीं छोड़ता। शायद, मैंने नहीफ आवाज़ में मनोहरा की ताइद की। जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है उस पर अफसोस तो किया जा सकता है, पर उसे रोका नहीं जा सकता। मैं भी नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ इतना कर सकती थी जो मैंने किया। तुम्हारी तकलीफ़ को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है, शायद आज रात के लिए या शायद कल शाम तक के लिए। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और किसी हद तक वो भी ठीक है। तुमने उनके साथ जो कुछ कर दिया है उसके बाद वो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चिथड़े भी उड़ा दें तो कम है। आखिरी अल्फाज अदा करते करते मनोरा एकदम बेपरवाह नज़र आने लगी। मैं समझा था शायद तुम्हें मेरे साथ हमदर्दी है। मैं और तुम जिस मैदान के खिलाड़ी हैं उसे जुर्म सज़ा का मैदान कहा जाता है। यहाँ सिर्फ अपने साथ ही हमदर्दी की जा सकती है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक नहायत शफाक और ख़तरनाक शख्स हो। मैं तुम्हें कोई ढील नहीं दे सकती। मेरा और तुम्हारा संबंध बस इतना है कि तुम एक या दो रातों के लिए मेरे साथ रह सकते हो। किंग के वापस आते ही यहाँ पर तुम्हारे सारे मामला उसके सुपुर्द हो जाएंगे। मेरे दोनों पैर बहुत सख्त जख्मी हैं, वजनी बीड़ी के सबब तकलीफ़ भी बहुत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी बीड़ी खुलवा दो? और अगर ये भी नहीं हो सकता तो रस्सी वगैरह से पाँव बंधवा दो। क्षमा चाहती हूँ, मैं तुम्हारा इस किस्म का कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। हाँ, इतना वादा करती हूँ कि यहाँ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। तुम जो चाहो खा सकते हो, अच्छी शराब पी सकते हो, मुझसे गपशप लड़ा सकते हो, बल्कि मैं चाहूँगी कि तुम मुझे अपने जीवन के दिलचस्प वाकयात से आगाह करो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, अब वो सब कुछ मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। दिलचस्प वाकयात सुनाने के लिए खुशगवार मूड की ज़रूरत होती है, और तुम देख रही हो मौत की तलवार मेरे सर पर लटक रही है और मेरा जिस्म जख्मों से चूर है। वो वोडका की बोतल हाथ में थामते हुए बोली, इसीलिए तो कहती हूँ कि शराब पियो, ये अंदर जाएगी तो सारी परेशानी बाहर आ जाएगी और उड़न छू हो जाएगी। इन जख्मों की तकलीफ भी कुछ देर के लिए तुम बिल्कुल भूल जाओगे। उसने खुद ही जाम बनाकर मेरे होठों से लगा दिया। सयाल आग अंदर गई तो जलते हुए जख्म ठंडक महसूस करने लगे, लेकिन मैं जानता था कि ये जिस्मानी और जहनी ठंडक आर्जी है। जब ये बदबख्त खुमार उतरेगा तो जहनी और जिस्मानी दुख कई गुना बढ़ जाएंगे। मेरे हाथ पुश्त पर बंधे थे, मैं ठीक से लेट नहीं सकता था। मैंने थोड़ी सी करवट ले रखी थी। मनोरा ने अपने हीरो जड़े लाइटर से दो सिगरेट सुलगाए और एक मेरे होठों से लगा दिया। मनोरा के खिदमतगार लड़के हमसे काफ़ी फासले पर बैठे थे, वो हमारी बातें नहीं सुन सकते थे। मनोरा ने उनमें से एक जापानी लड़के को पास बुलाया। वो अदब से मनोरा के अकब में खड़ा हो गया और हौले हौले उसकी गर्दन के पिछले हिस्से और कंधों का मसाज करने लगा। मनोरा के अकब में दीवार पर जो वाहियात तस्वीर लगी थी उसमें भी नहायत चिकनी जिल्द वाला ये खूबरू लड़का नज़र आ रहा था। इस बड़े साइज़ की तस्वीर में मनोरा नहायत मुख्तसर लिबास पहने हुए एक स्विमिंग पूल में नज़र आ रही थी। चार खूबसूरत नौजवान उसके साथ मौजूद थे, वो एक कतार में खड़े थे। उन्होंने मनोरा को एक बड़ी मछली की तरह अपने हाथों में ले रखा था। मनोरा के लिबास और स्टाइल के लिहाज से ये नहायत हैजान अंगेज़ तस्वीर थी। इस तस्वीर से मनोरा के लाइफ स्टाइल का अंदाज़ा भी हो जाता था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जापानी लड़का इंग्लिश नहीं जानता। यही वजह थी कि मनोरा ने उसे मुट्ठी चापी के लिए बुला लिया था। मैंने कहा, मनोरा देवी, ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम मेरी को मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे को मुनासिब मशवरा तो दे सकती हो। वो गहरा कष्ट लेते हुए बोली, तुमने यहाँ आकर अपने लिए रोज़ ज़मीन पर बदतरीन जगह चुन ली है। तुम्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा तीन अफराद से है। प्रिंस दुराब, जो तुमसे बाकी दो गातीगुड़ियों के बारे में पूछना चाहते हैं। वो बददिमाग शेखजादी कौसिया, जो तुमसे अपने बड़े भाई का अता पता मालूम करना चाहती है। और ख़ुद किंग ब्राउन, जिनका तुमने बेहद नुकसान किया, यहाँ तक कि उनकी इकलौती औलाद की हत्या भी तुम्हारे कारण हुई। मेरी मुराद मास्टर अस्पी से है। यहाँ के आम लोगों में भी तुम्हारे खिलाफ़ बहुत नफ़रत पाई जाती है, तुमने देखा ही होगा। तुम पर नज़र पड़ते ही आम लोग कैसे गुस्से से दीवाने हो जाते हैं। उन्हें आम लोग मत कहो, ये ख़ास लोग हैं, किंग ब्राउन के नमकखार हैं। मैंने कराहते हुए कहा, बहरहाल मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुमने मुझसे मशवरा मांगा था, और मेरा मशवरा यही है कि अपनी मौत को अजियतनाक ना बनाओ। जो कुछ ये लोग पूछ रहे हैं बता दो, क्योंकि ये तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बेशक वो शेखजादी अच्छी खसलत की नहीं है, लेकिन बेहतर है कि तुम उसकी बात भी मान लो। अगर शेख आसिम की हत्या तुम्हारे हाथों हो चुकी है तो फिर इसका इकरार कर लो और इस वाक़े की तफसील बता दो। प्रिंस दुराब भी तुमसे दोनों गुलकाराओं का पता पूछे बगैर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा।
वो इस मामले में बेहद संजीदा है। तुम जानते ही हो कि बड़े लोगों के खप भी बड़े होते हैं। प्रिंस का खप था कि वह अपने बेडरूम को तीनों बहनों से सजाना चाहता है। वो उनकी आवाज़ों का भी दीवाना है। फिर एक मसला ये भी है कि ये बहनें एक दूजे के बगैर रह नहीं सकती। बाकी दो का हाल तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक जो प्रिंस के पास है उसका हाल अच्छा नहीं है। वो अपनी बहनों को इस कदर मिस करे कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें जानकारी ना हो, 3 दिन पहले बड़ी बहन ने दिल बर्दाश्ता होकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। तुम कहना चाहती हो कि बड़ी बहन की मायूसी दूर करने के लिए उसकी दोनों छोटी बहनों को भी इस दुख में घसीट लिया जाए? मैंने सिर्फ बड़ी की हालत देखी है। अगर छोटी दोनों ने भी उसकी जुदाई को ऐसे महसूस किया है ना, तो फिर यह बड़ा गंभीर मामला है। शायद तुमने ऐसे परिंदों के बारे में सुना हो जिन्हें जुदा किया जाए तो वो कुछ खाते पीते नहीं, बस भूखे प्यासे मर जाते हैं। मुझे तो इस लड़की की हालत भी कुछ ऐसी ही लगती है। क्या हुआ उसे? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ, मनोहरा अपनी जगह से उठते हुए बोली। एक लड़का जल्दी से आया और स्लीपर मनोहरा के पाँव के पास रखे। अक्सर लड़कों के जिस्म कसरती थे और उन्होंने बारीक से कपड़े के हिजानखेज लिबास पहन रखे थे। मनोहरा इन चलते फिरते नौजवानों को अजीब पुरतपश नज़रों से घूरा करती थी। मनोहरा स्लीपर पहनकर एक जहाज़ी साइज़ की अलमारी की तरफ गई। उस जदीद अलमारी के कुछ हिस्सों में नहायत नफीस शीशा लगा था और जदीद दरवाजे बटन दबाने से खुदकार तरीके से हरकत करते थे। एक दरवाज़ा खुला तो सामने टीवी सेट नज़र आया। मनोहरा ने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सेट ऑन किया और वो रिमोट का बटन दबाने लगी। स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजिर उभरने और गायब होने लगे। ये हमारे इर्द गिर्द के मनाजिर ही थे। कहीं खुला आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, बस राहदारियाँ थीं, हॉल कमरे थे, लॉकअप्स थे। कैदी यानी बिरदे अपने मखसूस लिबास में नज़र आते थे। उनमें से अक्सर के हम मर्दों के सर मुंडे हुए थे। उनमें से हर एक के हाथ में कड़ा था। उस धाती कड़े पर बुरदे का नंबर और कवायफ वगैरह दर्ज किए जाते थे। ये सारे बुरदे शक्लों से ही मजलूम और कुचले मसले नज़र आते थे। उनमें ज़रा सा भी दमखम नहीं था। कीबोकों की हरकत पर वो भेड़ बकरियों की तरह हरकत में आ जाते और जहाँ बिठाया जाता सर झुकाकर बैठ जाते। कुछ नौजवान औरतों के साथ बच्चे भी नज़र आते थे। ये बच्चे भी अपने वालदैन के साथ गुलामी और महकूमी के जंगल में थे। टीवी स्क्रीन पर एक आरामदेह कमरे का मंजर उभरा। मैंने गाती गुड़िया नैना को देखा। वो स्लीपिंग गाउन पहने हुए थी और एक गोदास बिस्तर पर मौजूद थी, लेकिन उसके हाथ पांव चर्मी पट्टियों में कसे हुए थे। वो उठकर बैठ सकती थी और ना अपने जिस्म को ज़्यादा हरकत दे सकती थी। उसके करीबी नीली वर्दी में एक नहायत चाको चौबंद लेडी गार्ड मौजूद थी। उसकी कसी हुई पतलून के साथ होल्स्टर मौजूद था। नैना के करीबी खूबसूरत मेज़ पर खाने की ट्रे रखी थी, लेकिन ये खाना खाया नहीं गया था। मैंने नैना की सूरत देखी और दंग रह गया। चंद ही दिनों में वो बरसों की बीमार नज़र आने लगी थी। सहरा की धूप में झुलस जाने वाली कली की तरह वो नीम जानती। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं। इसकी हालत देख रहे हो ना तुम, पिछले 3-4 दिन से इसने भोजन नहीं लिया। इसी तरह रही तो जान के लाले पड़ जाएंगे। इसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। अब प्रिंस को भी डर है कि इसे आज़ाद छोड़ दिया गया तो ये खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये दिन रात बहनों का नाम ले लेकर दुहाई दे रही है। मैं जानता था कि तीनों गाती गुड़ियों की हस्ती खेलती ज़िंदगी को तबाह करने में सबसे ज़्यादा हाथ मनोहरा का है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये लड़की तो श्रीलंकन है, किंग ब्राउन के जंगल में कैसे फंस गई है? धन दौलत में बड़ी ताकत है, मनोहरा ने मुख्तसर लहजे में जवाब दिया। मुझे नैना की हालत इजार दिखाने के बाद मनोहरा ने फिर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना शुरू किया। स्क्रीन पर तस्वीरें उभर उभर कर ओझल होने लगी। मनोहरा अब शायद प्रिंस दोराब को तलाश कर रही थी। अचानक एक मंजर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। मुझे एक कमरे के फर्श पर एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। उस शक्ल को मैं भूल नहीं सकता था। ये मोमल था। रोशन आंखों और चौड़े सीने वाला वही लारसी नौजवान जो ज़बरदस्त सलाहियतों का मालिक था। मोमल के साथ एक नीम बराना लड़की भी फर्श पर बैठी थी। लड़की के खद्दोखार और तासुरात देखकर मैं एक लहजे में जान गया कि यह बॉब दोशीज़ा है। बॉब दोशीज़ा का लकब उन लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता था जो लारसी कबीले की बस्तियों में दिलखराश मजहबी रसूम की अदायगी के लिए पाली जाती थीं। उन सफ़ेद फार्म सेहतमंद लड़कियों की हैसियत बिल्कुल कुर्बानी के जानवरों की सी होती थी। स्क्रीन पर से मंजर चंद लम्हों में बदल गया, लेकिन इन चंद लम्हों में ही मैंने जो कुछ देखा वो जहन पर नक्श हो गया। बाकमाल मोमल की यहाँ मौजूदगी हैरानकुन थी और उसे किसी हद तक खुशाइन भी कहा जा सकता था। टीवी ऑफ करने के बाद मनोहरा एक बार फिर मेरे करीब आन बैठी। उसकी आंखों में अब नशे की वजह से सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। उसके कुशादा गिरेबान के अंदर से उसका सेहतमंद जिस्म अपनी झलक दिखा रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे लगता है कि ये लड़की मर जाएगी। क्या पता दूसरी तरफ वो दोनों भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो जाएं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये तीनों बहनें बचपन से अब तक कभी जुदा नहीं हुईं।
जुदा होना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। ये तीन जिस्म और एक आत्मा वाली बात है। मैंने कहा, अगवाशुदा लड़कियों के लिए जिस किस्म के हालात यहाँ मौजूद हैं, उन हालात का शिकार होने से तो बेहतर है कि ये तीनों मर ही जाएं। तुम बहुत कलूती हो रहे हो शाहजहां, यहाँ तमाम औरतों के साथ बदसलूकी तो नहीं होती? कुछ लड़कियाँ जो तरबियत के मरहले सीखने से इनकार करती हैं या बागियाना तबीयत की होती हैं, उनसे थोड़ी बहुत सख्ती ज़रूर की जाती है। जल्द सीखने वाली लड़कियों की हौसला अफजाई की जाती है और उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं। अभी 3 दिन पहले रक्स सीखने वाले लड़के लड़कियों का टेस्ट हुआ था। एक इंडियन लड़की को पहला इनाम 1,000 पाउंड दिया गया। उस 1,000 पाउंड के बदले में तुम उसके जिस्म से कई हज़ार पाउंड वसूल कर लोगे? मैंने पूरे यकीन से कहा, तुम्हारा मत कि हम इसे बेच देंगे, लेकिन ये भी तो सोचो कि बुक होकर वो किसी आला घराने में ही जाएगी। इस इंडियन लड़की का पिता कलकत्ते के रेलवे स्टेशन पर नान हलीम बेचता है। ये अपने माता पिता के साथ रहती तो किसी नानबाई टाइप के शख्स से ही ब्याही जाती और सारा जीवन अठन्नी चवन्नी का हिसाब जोड़ते हुए गुजार देती। अब ये किसी यूरोपीय मुल्क की लॉर्ड फैमिली में जाएगी, बीवी बने, रखेल बने या नौकरानी, लेकिन करेगी तो ऐश कलकत्ते में रूखी सूखी खाकर और अपने प्यारों के दरमियान रहकर। उसे जो सुकून मिलना था वो मलिका एलिजाबेथ की बहू बनकर भी नहीं मिल सकता इसे। ये बहुत लंबी बहस है शाहजहां, और मैं ये सुंदर रात ऐसे बेकार काम में खोना नहीं चाहती। आज मूड ज़रा रंग रंगीला और छैल छबीला हो रहा है, मैंने अपने आप में सोचा। शायद ऐसा इसलिए है कि आज तुम्हारी बागें ढीली हैं। प्रिंस दोराब और किंग ब्राउन में से कोई भी इस जगह मौजूद नहीं। आज तुम मनमानी करने के मूड में हो। मनोहरा वक्फे वक्फे से बियर और विस्की अपने अंदर उंडेल रही थी। सिगरेट का शुगल भी जारी था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे गहरे होते जा रहे थे। कहीं पास इंग्लिश म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। मनोहरा आरामदेह कुर्सी पर नींदराज थी। उसका गाउन टांग पर से खिसककर बहुत ऊपर चला गया था। वो एक सिम देखती जा रही थी। शुरू में तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है। फिर मैंने ज़रा सर घुमाया तो अकब में 3-4 लड़के रक्सा नज़र आए। नौजवान लड़के अपने जिस्मों को हिजान खेज अंदाज में बल दे रहे थे। उनके लिबास बेहद चुस्त और बारीक थे। कुछ देर तक मनोहरा उन्हें देखती रही। फिर यूनानी लड़का नाश्ता बड़ी अदा से मनोहरा के पास आया और उसकी गहरी नीली आंखों में बला का हुस्न था। उसने अपने दोनों हाथ मनोहरा की तरफ बढ़ाए। अंदाज़ ऐसा था जैसे वो रक्स में उसे अपने साथ शामिल करना चाहता हो। मनोहरा ने 2-3 बड़े बड़े घूंट भरकर वार्ड 69 का ग्लास खाली किया और हाथ की पुश से अपने गुदाज होठ पोंछकर खड़ी हो गई। चंद लम्हे बाद वो भी लड़कों के साथ महवे रक्स थी। कुछ देर नाचने के बाद वो वापस अपनी बेशकीमत कुर्सी पर आ बैठी। उसकी गर्दन और पेशानी पर पसीने की चमक थी। इसी दौरान में एक लड़का आगे आया और उसने मनोहरा के कान में कुछ घुसर पुसर की। इस घुसर पुसर के बाद लड़का चला गया और चंद सेकंड के बाद सफ़ेद कनपट्टियों वाले स्मिथ सीनियर को लेकर वापस आया। स्मिथ ने भी बड़े मुअद्दब अंदाज में झुककर मनोहरा के कान में चंद सरगोशियाँ की। उन सरगोशियों के नतीजे में मनोहरा का चेहरा लाल भभूका हो गया। वो एकदम चटक कर बोली, जाओ जाकर कह दो से वो मेरे अपार्टमेंट में है, मैं लेकर आई हूँ उसे यहाँ पर, और जब तक किंग वापस नहीं आते वो यहीं पर रहेगा। अगर वो 10 दिन नहीं आएंगे तो ये 10 दिन यहीं रहेगा। जो कर सकती है वो कर ले। स्मिथ ने जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाया और उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ गया। जब उसने घूम कर रुख दरवाजे की तरफ फेरा तो मनोहरा चीख कर बोली, रुको, मेरी बात सुनो, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे और ना वो आएगी। अगर वो आई तो सख्त बेइज्जत होकर जाएगी, ये बात बेशक उसे बता देना। स्मिथ ने घबराकर अपना सर इस बात में हिलाया और बाहर चला गया। हरामजादी लुकी पट्टी, समझती क्या अपने आप को? स्मिथ के जाने के बाद भी मनोहरा का गुस्सा कम नहीं हुआ। मनोहरा ने अपने चटके हुए आसाब को पुरसकून करने के लिए ऊपर तले कई पैग लिए और उसका चेहरा लाल भभूका नज़र आने लगा। मनोहरा बोली, पता नहीं क्यों आज रात देर तक जागने को जी चाहता है, कुछ करने को, कुछ हंसने खेलने को। यकीन नहीं आता कि तुम जैसी गुसैली और दबंग औरत भी हंस खेल सकती है। इस संसार में और इस जीवन में सभी कुछ मुमकिन है, और फिर ये जीवन है भी कितना। वो मशहूर गाना है ना, शायद तुमने भी सुना, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तुम तो यहीं रहोगी। हाँ, मेरा कुछ पता नहीं कि मेरी लाश किस तरीके से ठिकाने लगाई जाएगी। कल के बारे में मत सोचो, आगे भी ना जाने तो पीछे भी ना जाने तो, जो कुछ है बस यही एक पल है। सुना है तुम बड़े मशहूर व मारूफ लड़ाके हो, फाइटिंग में तुमसे बड़े बड़े जुगादरियों के छक्के छूटे हुए हैं। शंकर जैसा वर्ल्ड क्लास फाइटर भी अब तुम्हें वाज़े शिकस्त देने में नाकाम रहा है। बेख्याली में वो मेरी आंखों में देखती रही। अफसोस की बात है कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर तुम अपनी तमाम तर दिलेरी और अपने तमाम तर हुनर समेत ज़मीन के नीचे चले जाओगे। तुम्हारा हर हुनर
तुम्हारे साथ ही बेमौत मर जाएगा। पेशगी अफसोस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कहते हैं कि हर कलाकार को अपनी कला के इजहार की ज़रूरत होती है, जैसे मुसव्विर को देखने वाली आंखें दरकार होती हैं, कवि को अपनी कविता के लिए सुनने वाले कान दरकार होते हैं। यही हाल मौसीकारों और अदाकारों वगैरह का होता है। अगर उन लोगों को देर तक अपनी कला के इजहार का मौका ना मिले तो ये बेचैन हो जाते हैं। तुम भी तो एक कलाकार हो और तुम्हारी कला फाइट है। मेरा विचार है तुम भी काफ़ी दिनों से अपनी कला के इजहार का मौका नहीं ढूंढ पा रहे हो। कहना क्या चाहती हो? उसने अपनी शानदार कुर्सी थोड़ी सी पीछे कर ली। कुर्सी अपने बेआवाज़ पहियों पर खामोशी से स्लाइड करती हुई 3-4 फुट पीछे हट गई। मुझे मनोहरा की हरकत की कोई वजह समझ नहीं आई, ताहम रक्सा लड़कों के चेहरों से अंदाज़ा हुआ कि उन्हें वजह समझ आ गई है। मनोहरा ने शायद कोई बटन दबाया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि अपार्टमेंट की छत मुझ पर आन गिरी है। इस्तरारी तौर पर मैंने अपना चेहरा बाजुओं में छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाजू तो मुड़कर उल्टी हथकड़ी में जकड़ दिए गए थे। वो मेरे चेहरे को ढाल कैसे फराम करते? मैं बस एक दफ़ा थर्रा कर रह गया। छत तो मुझ पर नहीं गिरी, तहाँ में गोल जंगले ने मुझे आनन फानन घेरे में ले लिया। अब मेरी समझ में आया कि अपार्टमेंट की जगमगाती छत पर स्टील का जो बड़ा सा दायरा नज़र आ रहा था वो क्या था। यह दरहकीकत स्टील का एक बहुत बड़ा जंगला था जो छत में तेज़ी से एक साथ फर्श तक लाया जा सकता था। ये गोल जंगला करीबन 150 मुरबा फुट जगह घेरता था और इस जंगले के अंदर आने वाला शख्स आनन फानन बाकी अपार्टमेंट से अलहदा हो जाता था। अब मैं जंगले के अंदर था और मनोहरा अपने खिदमतगार लड़कों समेत जंगले से बाहर थी। वो बड़े सुकून से कुर्सी पर फैल कर बैठी हुई थी। खिदमतगार लड़के के हाथ से पैक लेते वो बोली, मैं तुम्हारी फ़ाइट देखना चाहती हूँ। अगर तुमने फ़ाइट में कामयाबी हासिल की तो तुम्हें एक बहुत सुंदर तोहफ़ा दूंगी। कम अज़ कम आज की रात के लिए तो तुम्हारा मन खुश हो ही जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे किससे लड़ाना चाह रही हो? कोई नामी गिरामी लड़ाका नहीं है, बस आम सा फाइटर है। बल्कि एक फ़ाइटर से काम नहीं चलेगा, उसे तो तुम रुई की तरह धुनक के रख दोगे। दो फाइटर होंगे वो, उसके अलावा उनके हाथ भी आज़ाद होंगे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करने जा रही हो। मेरी हालत देख रही हो तुम? अभी कुछ देर पहले तक तो मुझे खड़ा होना भी नहीं आ रहा था। अब ऐसा नहीं है, चंद घंटों में ही तुम भले चंगे दिखाई देने लगे हो। वैसे भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुम्हारी हालत इतनी पतली नहीं थी जितनी डॉक्टर वॉल्टर ने उस शेखजादी के सामने बयान की थी। मकसद तो तुम्हें उस टॉर्चर सेल से निकालना था। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम किन दो फाइटर्स की बात कर रही हो और वो तोहफ़ा क्या है? मुझे किसी ऐसे तोहफे की ज़रूरत नहीं। ना ना ना, जल्दबाज मत बनो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी आज की रात बहुत अच्छी गुजरेगी। आखिरी अल्फाज अदा करते करते वो उठी और एक बगली दरवाजे में ओझल हो गई। मैं हैरान सा बिस्तर पर नींद दराज रहा। चंद मिनट बाद वो दोबारा आई। उसके साथ दो तनूमंद अफराद नज़र आ रहे थे, एक हबशी था दूसरा जापानी। आमतौर पर जापानी कोता कद के मालिक होते हैं, लेकिन ये जापानी 6 फुट से कुछ कम ही होगा। हबशी 6 फुट से ऊपर था। कराटे के खिलाड़ियों की तरह उन्होंने स्याह रंग के गाउन पहन रखे थे, वो पाँव से नंगे थे। रेफरी साहब तो अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, ये कराटे स्टाइल की बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़ाइट होगी। पॉइंट्स की नंबरिंग भी मुरवजा तरीके के मुताबिक होगी। सही जगह पर बॉडी वेट के साथ ज़रब लगाने से पूरा पॉइंट मिलेगा। फाउल प्ले पर वार्निंग दी जाएगी। ये कॉन्टैक्ट फ़ाइट 4-4 मिनट के 4 राउंड पर होगी। नॉकआउट ना होने की सूरत में पॉइंट्स पर फैसला होगा। ये साफ़ सुथरा दोस्ताना मुकाबला है, आप दोनों फरीकों को रेफरी के फैसले पर अमल करना होगा। इसी दौरान में दरमियाने कद और गंजे सर वाले कोरियन रेफरी साहब भी तशरीफ़ लाए। वो अपने काम के माहिर दिखाई देते थे और काफ़ी संजीदा भी नज़र आ रहे थे। मनोहरा ने मेरी बीड़ी की चाबी न जाने कहां से हासिल कर ली थी। उसने चाबी रेफरी को दी। रेफरी ने अंग्रेज़ी में मुझे सलाखों के करीब आने की हिदायत की। मैं करीब आया तो रेफरी ने बाहर से ही हाथ डालकर मेरे पाँव का लॉक खोल दिया। लॉक खोले जाने से पहले ही दोनों फाइटर्स अंदर आ चुके थे। मेरे बिस्तर को घसीट कर एक गोशे में पहुँचा दिया गया। लड़ाई के लिए मैदान बिल्कुल तैयार था। अगर मैं तंदुरुस्त होता और मेरे हाथ आज़ाद होते तो इन दोनों फाइटर्स के जबड़े वगैरह तोड़ना मेरे लिए ज़्यादा दुश्वार नहीं था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कई घंटे तक टॉर्चर सेल की अजियत सहने के बाद मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था। एक कनपट्टी में अब भी किसी वक्त शदीद टीस उठती थी और बदन में फैल जाती थी। उसूली तौर पर देखा जाता तो मुझे इस वक्त तिब्बी इमदाद और आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे यहाँ कराटे के मैदान में उतारा जा रहा था। अपनी शोहरत के ऐन मुताबिक मनोहरा एक बेहिस और शफाक औरत थी। अगर वो मुझे टॉर्चर सेल से निकाल कर लाई थी तो उसकी अहम वजह यह थी कि वो कौसिया पर अपनी बर्तरी और अथॉरिटी साबित करना चाहती थी। जहाँ तक मेरी ज़ात से मनोहरा की दिलचस्पी का ताल्लुक था, ये दिलचस्पी बस वाक़यात सुनने सुनाने की हद तक ही थी। ये बड़ी सतही किस्म की दिलचस्पी थी और मुझे उससे किसी तरह का फ़ायदा पहुँचना मुहाल था।
फायर शुरू होने से पहले मैंने जो सयाल आग अपने अंदर उंडेली थी उसने मेरी जिस्मानी तकलीफ़ को वक्ती तौर पर काफ़ी कम कर दिया था। मैं ख़ुद से चलने फिरने के काबिल हो गया था और अगर कोशिश करता तो उन दोनों फाइटर्स को एक अच्छी फाइट दे सकता था। मनोरा का इशारा मिल जाने पर दोनों फाइटर्स बाजू फैलाकर मेरे सामने खड़े हो गए और आंखों आंखों में मुझे तोलने लगे। मैंने भी उन्हें तोला। दोनों में से जापानी ज़्यादा सख्त जान और ख़तरनाक महसूस हो रहा था। रेफरी के मुंह में बाकायदा छोटी सी सीटी थी, साथ में रेफरी का असिस्टेंट भी था जो नोटबुक और कलम लिए खड़ा था। जाहिर है कि उसे पॉइंट्स वगैरह लिखने थे। हम तीनों आमने सामने खड़े थे। मेरे हाथ बदस्तूर पुश्त पर बंधे हुए थे। मैं फ़कत एक नेकर नुमा अंडरवियर में था। यही नेकर थी जो मैंने बरसों से जेब तन कर रखी थी। मेरे जिस्म पर जगह जगह मरहम लगी थी। जहाँ ज़ख्म गहरे थे वहाँ डॉक्टर वॉल्टर के कंपाउंडर ने मेडिकल टेप के जरिए ड्रेसिंग कर दी थी। सबसे बुरी हालत उंगली की थी जिसमें फ्रैक्चर हो चुका था। रेफरी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं ऊपर तले दो मरतबा सीटी बजाऊंगा तो राउंड शुरू हो जाएगा। दो मरतबा सीटी बजाने से ही राउंड ख़त्म होगा। फाउल प्ले पर पॉइंट कटेंगे। उम्मीद है आप तीनों फाउल प्ले नहीं करेंगे। उसने दो मरतबा सीटी बजाई और राउंड शुरू हो गया। दोनों फाइटर्स ने दो मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। मेरे हाथ बंधे हुए थे लिहाजा अखलाकी कदर पर अमल करते हुए जापानी फाइटर भी बस अपनी टांगें ही इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, हफ्शी के हाथ भी हरकत में थे। कराटे समेत हर किस्म की फ़ाइट में मुखालिफ की ज़रबात रोकने के लिए ज़्यादातर हाथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे हाथों का काम भी टांगों से लेना पड़ रहा था। पहला राउंड बड़ा धुआंधार था। ख़ास तौर से हफ्शी ने बड़े तुंदो तेज़ हमले किए, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि अगर पॉइंट लिखने वाला दुरुस्त नंबरिंग कर रहा है तो उसे एक भी पॉइंट नहीं मिला होगा। जापानी में जोश व खरोश कम था मगर उसके हमले का अंदाज़ ज़्यादा मौसर था। उसकी एक किक मेरे रुखसार पर लगी और एक बगल में पसलियों पर। पसलियों की ड्रेसिंग से ताज़ा खून रिसने लगा। मेरी एक ज़ोरदार किक भी जापानी के पेट में लगी और वो चंद सेकंड तक लड़खड़ाया हुआ दिखाई भी दिया। मनोरा इस मुकाबले से बेहद लुत्फंदोज़ हो रही थी। वो बड़े खुर्रांट औरत थी। उसने जान लिया था कि दोनों फाइटर्स अपने काम में माहिर होने के बावजूद मेरे जोड़ के नहीं हैं और मैं उनके हमलों का जवाब पूरी शिद्दत से नहीं दे रहा। दूसरा राउंड शुरू होते ही हफ्शी ने ऊपर तले मुझ पर कई किक्स चलाईं। वो मुझे कोई कारी ज़र्ब लगाने के चक्कर में था और इस चक्कर में फाउल प्ले भी कर रहा था। मैंने उसे थोड़ी सी ढील देकर अपने करीब किया। जब वो मुनासिब हद तक नज़दीक आ गया तो मेरी ज़ोरदार टांग उसके जबड़े पर पड़ी। वो उछलकर जंगले से टकराया और उधर ही लोटपोट होने लगा। उसके एक दो दांत टूट गए थे और होंठों से मुसलसल खून बह रहा था। रेफरी ने उसे नॉकआउट करार दिया और राउंड ख़त्म होने के बाद उसे जंगले में से निकाल लिया गया। जापानी ने तीसरे राउंड में भी डटकर मुकाबला किया। उस राउंड में मैंने उसे ठीक ठाक ज़रबे लगाईं। उसकी एक आंख पर गहरी चोट आई और थोड़ी फट गई। जब उसने ख़ुद को पिटते देखा तो अखलाकी कदर को बालाए ताक रखकर अपने हाथ भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। लेकिन अब वो अकेला था। उसे मारना मेरे लिए आसान था। मैंने कुछ देर तक उससे चूहे बिल्ली का खेल खेला और फिर दो ज़ोरदार किक्स से उसे ज़मीन दिखा दी। उसने हाथ उठाकर खुद ही अपनी हार तस्लीम कर ली। इस पूरे मुकाबले में मेरे मद्दे मुकाबले मुझे बस एक दो चोटें ही लगा पाए थे और वो भी शुरू में जब वो दो थे। मनोरा इस तमाशे पर खुश नज़र आ रही थी। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे बड़े शहाना अंदाज में ताली बजाई और मुझे दाद दी। तुम एक सख्त हरीफ हो। तुम्हारी और शंकर की फ़ाइट वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती होगी। फिर मनोहरा ने खिदमतगार लड़के को अपने नज़दीक बुलाया और उसके कान में चंद सरगोशियाँ की। लड़का अदब से सर झुकाकर बाहर चला गया। मेरे दोनों पांव एक बार फिर जंजीर से मुंसलिक कर दिए गए। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का जंगला ऊपर उठा दिया गया। बाकी अशिया भी तरतीब के साथ इसी तरह रख दी गई जैसे मुकाबले से पहले थी। म्यूज़िक भी एक बार फिर बजने लगा। एक रक्कास लड़के ने हौले हौले अपने पाँव को जुम्बिश देना शुरू कर दी। बाकी लड़के दीगर कामों में मसरूफ़ रहे। तनुमंद यूनानी लड़का बड़े आजजाना अंदाज में मनोहरा के कदमों में बैठा था। उसने अपने दोनों घुटने तय कर रखे थे और वो भी वक्फे वक्फे से अपने ग्लास में से शराब का घूंट भर रहा था। उसकी गहरी नीली आंखों में खुमार हलकोरे लेने लगा, लेकिन एक पालतू कुत्ते की तरफ अपनी हदूद से आगा था। मनोहरा के लिए उसके एहतराम में कोई फ़र्क नहीं आया था। मनोहरा खुद ही कभी कभी अपना बाजू लड़के की गर्दन में डालती और अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुका देती। वो कालीन पर बैठे बैठे अपनी मालकिन के जोश व खरोश का जवाब अदब के दायरे में रहते हुए देता था। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हें अपना तोहफ़ा दिखाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे जीवन के आखिरी शब रोज़ हैं। मैं अपनी शक्ति के मुताबिक तुम्हें थोड़ी बहुत खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी ये बंदिशें नहीं खोल सकती। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये खुशी क्या होगी? बस थोड़ा सा सब्र करो, मनोहरा ने कहा और फिर एक गिलास थामते हुए बोली, लो मेरी खातिर एक जाम पियो। उसने एक अजीब वजह की बोतल थामते हुए दो गिलास बनाए। एक गिलास उसने खादिम लड़के को थमा दिया ताकि वो मुझे पिलाए। दूसरा उसने अपने होठों से लगा लिया। सयाल आग सीने को चीरते हुए पूरे जिस्म में फैल गई। ये नहायत तेज़ और पुरानी शराब थी। उसने लम्हों में असर किया। सारे नापसंदीदा एहसास को देखते ही देखते मुझसे दूर ले गई।
5-10 मिनट इसी तरह गुजरे, फिर मनोरा की हिदायत पर दो खिदमतगार लड़कों ने मुझे बाजुओं से थामा और आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए सागवान के एक दरवाजे के सामने ले गए। बटन दबाने पर दरवाजे ने बेआवाज़ हरकत की, हम अंदर दाखिल हुए। एक ज़बरदस्त लग्जरी कमरे का मंजर सामने था। ज़मीनी जन्नत के ऐसे नमूने मैं इससे पेशतर मारिया ट्रस्ट के खासुल खास हिस्से में देख चुका था। एक क्लब में ऐसे बेशुमार होशरुबा मनाजिर से मेरा वास्ता पड़ा था। दबीज़ कालीन, पर्दे और दीवारों के अंदर से फूटती हुई रोशनियाँ, एक बहुत बड़े ग्लास के पीछे रंगीन मछलियाँ तैर रही थीं, मछलियाँ जिनमें से रंग फूटते थे और जिनका हुसन निगाहों को खैरा करता था। एक ऐसी ही मछली कमरे के बिस्तर पर मौजूद थी। ये एक नहायत हसीन लड़की थी। उसकी बिलोरी आंखों में सहमी हिरनी किसी वहशत थी। उसका जिस्म एक सुर्ख मखमली लबादे में छुपा हुआ था। मैं एक लहजे में पहचान गया, ये बोब दोशीज़ा थी। और ये वही दोशीज़ा थी जिसे कुछ देर पहले मैंने टीवी स्क्रीन पर अजूबा नौजवान मोमल के साथ देखा था। टीवी स्क्रीन की तस्वीर में भी वो खूबसूरत खुशकल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका असल हुसन और जोबन इस कमरे की खूबसूरत रोशनियों में खिल रहा था। यूँ लगता था कि वाकई को जलपरी है जो जादुई पानियों से निकलकर इस बिस्तर पर आ लेटी है और अब अपनी याकूती आंखों में हसीन हैरत और हिरास लिए मेरी तरफ देख रही है। मेरे कंधे की तरफ मनोरा नमूदार हुई। खामोश लेटी लड़की की तरफ उसने इशारा किया। इसका ताल्लुक लारसी कबीले से है, शायद तुम्हें मालूम ही होगा। लारसी औरतें और मर्द अपने मज़े में लाजवाब होते हैं। मुझे आशा है कि मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। मैं दांत पीस कर रह गया। वो अपनी उंगली मेरे कंधे में चुबोते हुए बोली, देखो इस तोहफे की नाकदरी नहीं करना। मैं ऐसी नाकदरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा जीवन बचा है। वो कमीनी शेखजादी तुम्हारे थोड़े से जीवन को भी तार तार करना चाहती थी, मगर मैं इसके बिल्कुल उलट कर रही हूँ। ठीक कर रही हूँ ना मैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिदमतगार लड़के को इशारा किया और उसने मुझे अंदर धकेल कर सागवान का स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं बॉब लड़की के रूबरू खड़ा था। मैं जानता था कि बोमा में मजहबी रस्मों की अदायगी के वक्त बॉब लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती है और उनकी इसमत दरी को भी गुनाह नहीं समझा जाता, लेकिन ऐसी घिनौनी रस्मों के मौके पर यह बेजुबान लड़कियाँ शदीद तरीन मज़ाहमत करती थीं। मैं कुछ देर तक उस लड़की को देखता रहा। मैंने गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि लड़की के जिस्म पर सुर्ख लबादा नहीं बल्कि चादर है। मैं घुटनों के बल बैठ गया और दांतों की मदद से चादर लड़की के जिस्म से सरकाई। निगाहों में बिजली सी लपक गई। लड़की के जिस्म पर लिबास के नाम का एक तार तक नहीं था। उसके हाथ और पांव वैसे ही चर्मी पट्टियों से बंधे थे जैसे टीवी स्क्रीन पर नैना के हाथ पांव में नजर आई थी। इन पट्टियों यानी बेल्ट के होते हुए लड़की तड़प कर मचल तो सकती थी, लेकिन बिस्तर से अलहदा नहीं हो सकती थी। मैंने दांतों ही की मदद से चादर दोबारा लड़की के जिस्म पर खींच दी और सटपटाए हुए दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मनोरा जैसी नायिका से किसी ऐसे ही तोहफे की तवक्को की जा सकती थी। वो अपने दौलतमंद करम फरमाओं में दिन रात ऐसे ही तोहफे बांटती फिरती थी। वो नशे में थी और बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। बंद दरवाजे के बावजूद गाहे बगाहे उसकी आवाज़ अंदर तक चली आती थी। म्यूज़िक की मध्यम आवाज़ भी अंदर तक आ रही थी। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की दूसरी तरफ से मनोरा की बहकी हुई आवाज़ उभरी। फ़िक्रमंद होने की बात नहीं है शाहजहां, बड़ी शांति से रात गुजारो। यहाँ कोई छुपा हुआ कैमरा नहीं है और ना ही माइक वगैरह है। ये लारसी बड़े जायकेदार चीज़ होते हैं। उसने जाते जाते हाँक लगाई। मैंने दिल ही दिल में इस इंटरनेशनल नायिका को कई सलावातें सुनाई और सर झुकाकर बैठ गया। 10-15 मिनट इसी तरह गुजर गए। मैंने लड़की से टूटी फूटी लारसी जुबान में बात करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कतई नाकाम रही। मुझे तवक्को भी यही थी। अक्सर लारसी लड़कियां चूँकि तन्हाई और अलहदगी में परवरिश की जाती थी उनकी, लिहाजा वो इजहार मुद्दा से माजूर होती थी। उनके अंदर जज्बात और ख्वाहिशात की नशोनुमा भी नहीं होती थी। पालतू जानवरों की तरह उनकी ज़रूरत सिर्फ खाना और सोना ही होता था। अचानक कमरे में रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बजी। मैं बंधे हाथों की वजह से रिसीवर तो नहीं उठा सकता था, लिहाजा हैंड फ्री का बटन अपनी नाक से पुश करते हुए मैंने राब्ता किया। दूसरी तरफ हसबे तवक्को मनोरा ही थी। वो गालिबन अब किसी कमरे के अंदर से बोल रही थी। मैंने सोचा शायद नीली आंखों और गहरे स्याह बालों वाला वही यूनानी लड़का उसकी खिलवत का साथी हो। क्या कर रहे हो मेरे हीरो? बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मैंने तुम्हें उदास होने के लिए नहीं, खुश होने के लिए भेजा है, और कम अज़ कम आज की रात तो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अपने इन बंधे हुए हाथों के साथ मेरे लिए खुश होना मुमकिन नहीं। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम कसी हुई मशकों के साथ 4D और मनार्ट की हड्डी पसली कर सकते हो तो फिर सब कुछ कर सकते हो। तुम बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। बिल्कुल गलत, तुम बेवकूफ़ बनाने वाली बातें कर रहे हो। और देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, मैं नशे में हूँ और ऐसे में मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता।
अपने तोहफे की तौहीन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। चलो शाबाश। उसके साथ ही रابطہ मुनक़ता हो गया। ये पेचीदा सूरत हाल थी। मनोहरा जैसी भी थी, वक्ती तौर पर उसने मुझे कौसिया की सफाकी से बचाया था। कम अज़ कम ये तो कहा ही जा सकता था कि वो मेरे लिए कौसिया से कम सफाक साबित हो रही है। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वो मुझे कौसिया के चंगल से निकाल कर यहाँ तक लाई थी। फिल वक्त किंग और प्रिंस वगैरह भी यहाँ मौजूद नहीं थे। मनोहरा यहाँ मुख्तार कुल नज़र आ रही थी। वो अपनी तरंग में मेरे साथ कुछ भी अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा कर सकती थी। ऐसे में उसे नाराज़ करना किसी तौर भी सूदमंद नहीं था। दूसरी तरफ मेरे लिए यह भी मुमकिन नहीं था कि मैं इस बेबस और बेजुबान लड़की के साथ किसी तरह का जिस्मानी ताल्लुक कायम करूँ। मैंने लड़की के जिस्म से मखमली चादर सरकाई और उसके करीब नीम दराज हो गया। लेकिन मुझे सख्त मायूसी हुई। मुझसे छूने के बावजूद वो किसी तरह की मज़ाहमत कर रही थी और ना ही आम बॉब लड़कियों की तरह उसने चीखों पुकार की। अगर वो चीखों पुकार करती तो मेरे लिए बेहतर होता। मैं उसकी शदीद मज़ाहमत को बहाना बना सकता था। मैंने उसकी नुकसानदेह खामोशी को तोड़ने की दो तीन मजीद कोशिशें की और नाकाम रहा। फिर मेरे जहन में एक बात आई। इस मसले का हल बिल्कुल सादा सा था। मैं चाहता था कि लड़की चीखे चिल्लाए। उसे किसी भी तरीके से चीखने चिल्लाने पर मजबूर किया जा सकता था। ज़रूरी तो नहीं था कि उस पर जिनसी तशद्दुद ही किया जाए। मैंने अपने बंधे हुए हाथ को लड़की के बंधे हुए हाथों तक पहुँचाया। जो ही लड़की का हाथ मेरे हाथ में आया, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं उसके हाथ को बुरी तरह मसल रहा था। ज़रा देर बाद इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने पहले वाले तरीके से इंटरकॉम ऑन किया। लगता है तुम उस्तादियाँ दिखा रहे हो। कोई उस्तादियाँ नहीं है, लेकिन लड़की तो तुम्हें बावाज़े बुलंद दाद दे रही है। वो वहशी हो रही है। मैं लानत भेजता हूँ इस पर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे निकालो यहाँ से। बकवास बंद करो जहानी। तुम्हें ये भगोड़ों वाली बात जेब नहीं देती। विश यू गुड लक, मनोरा ने कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। मैंने दिली दिल में उसे गालियाँ दी। चंद मिनट बाद आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने लड़की को एक बार फिर चीखने पर मजबूर किया। उसका हाथ सुर्ख हो रहा था और हौले हौले लरजने लगा था। मेरा ख्याल था कि अभी इंटरकॉम की घंटी फिर बजेगी, लेकिन इस मरतबा घंटी नहीं, एक और तरह की आवाज़ आई। यूं लगा जैसे कहीं पास ही बहुत बड़ा शीशा टूटा हो और लकड़ी की खिड़की वगैरह चटक गई हो। फिर एक चीख उभरी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि यह मर्द की चीख है या औरत की। चंद सेकंड बाद ही यूं लगा जैसे तोप का गोला सागवान के दरवाजे से टकराया हो। मैं एक लम्हे के लिए भौचंका रह गया। कोई शख्स दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर घुसाया। वो गज़बनाक अंदाज में मुझसे टकराया। मैं पुश्त के बल उस ग्लास पर गिरा जिसके अकब में अनगिनत खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थीं। बहुत बड़ा ग्लास ज़ोरदार छनाके के साथ टूटा और पानी कालीन पर बह निकला। कमरे का स्विच बोर्ड भी शोकेस के पास ही था। बहुत सी चिंगारियाँ छूटी और कमरे की रंग बिरंगी रोशनियाँ भी बुझ गईं। अब कमरे में सिर्फ वो रोशनी थी जो टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रही थी। हमलावर के हाथ में राइफ़ल थी। उसने राइफ़ल के दस्ते को बड़े वहशियाना अंदाज में हरकत दी। अगर मुझे सर झुकाने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो सर के तीन चार टुकड़े तो हो गए होते। राइफ़ल का दस्ता टूटे हुए शोकेस से टकराया और उसके रहे सहे शीशे भी फर्श पर गिर गए। मेरे लिए बेबसी की इंतहा थी। मैं एक बिफरे हुए हमलावर की जद में था और मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। जवाबी हमले के तौर पर मैं फ़कत अपना सर इस्तेमाल कर सकता था या टांगों को फ्लाइंग किक के अंदाज़ में हरकत दे सकता था, लेकिन उसके लिए वक्त दरकार था और हमलावर मुझे वक्त देने के लिए हरगिज़ हरगिज़ तैयार नहीं था। मैंने उसका दूसरा वार बचाकर उसके सीने पर सर की ज़र्ब लगाना चाही। उसने किसी बाजीगर की तरह हवा में उल्टी कलाबाजी खाई और मुझसे 8-10 फुट दूर चला गया। मेरा ये शक यकीन में बदल गया कि मेरे मुकाबले कोई और नहीं, हैरत अंगेज लारसी नौजवान मोमल है। उसने राइफ़ल मेरी तरफ सीधी की और गोली चलाई। मैंने फर्श पर गिरते हुए खुद को बचाया और चीख कर मोमल को आवाज़ दी। वो एक लम्हे के लिए ठिठका। ये मैं हूँ मोमल, मैंने दोबारा उर्दू में चीख कर कहा। चंद सातों के लिए वो पथरा कर रह गया। उसके कदमों में मछलियाँ तड़प रही थीं। वो लपक कर मेरी तरफ आया। नीम तारीकी में मुझे टटोल कर देखा और पहचान लिया। उसके होंठ दायरे की शक्ल में सिकुड़ गए और हर दम चमकती शरीर आंखें कुछ और चमक उठी। दरवाज़ा टूट चुका था। उसने एक दीवार गिर अलमारी को धकेलना शुरू किया। मैंने भी अपने कंधे की मदद से उसका साथ दिया। दो ही सेकंड बाद अलमारी टूटे हुए दरवाजे के सामने थी। ये बड़े ख़तरनाक लम्हे थे, लेकिन मोमल की आंखों में वही चमक थी जो कोई दिलचस्प खेल खेलने वाले खिलाड़ी की आंखों में नज़र आती है। मैंने बड़े बड़े मर्द मैदान में देखे थे, लेकिन ऐसी कैफियत मुझे किसी हद तक सफदर की आंखों में ही दिखाई दी थी या फिर मोमल की आंखों में। बल्कि ये कहना चाहिए कि मोमल के पूरे चेहरे पर ये कैफियत ठाटे मारती थी। मेरा ख्याल था कि मोमल शायद इस कमरे में महसूर होकर गार्ड्स का मुकाबला करना चाहता है। अगर वह ऐसा करता तो यकीनन बेवकूफ़ी होती, और वो बेवकूफ़ नहीं था। उसने गार्ड्स को धमकाने के लिए बस चंद फायर किए। उसके बाद जेब से फल काटने वाली छुरी निकाली और बेहद तेज़ी से वो दोशीज़ा की बंदिशें काट दी। वो तड़प कर उठ बैठी और उसने सुर्ख मखमली चादर अपने गिर्द लपेट कर सीने के करीब गिरा बांध ली। मोमल ने इशारों की ज़ुबान में उससे बात की और उसे अपने पीछे आने का कहा। लड़की ने इस बात में सर हिलाकर आमादगी जाहिर की। उसके बाद मोमल ने तेज़ी से मेरी तरफ
मोमल तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना सर इस अंदाज से झुकाया था जैसे मेरी नाक में टक्कर मारना चाहता हो। मैं समझ गया था कि वो क्या करने का इरादा रखता है। उसने झुककर मुझे कंधे पर उठाया और कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर आ गया। हवास बाख्ता लड़की उसके पीछे चली आ रही थी। यूं लगता था कि मोमल यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। हम एक तहखाने में पहुँचे। उस तहखाने से बड़े बड़े पाइप गुजरकर ऊपर की तरफ जाते थे। कोई बड़ी मशीन भी गूंजदार आवाज़ में चल रही थी। यहाँ पहुंचकर मोमल ने बड़ी फुर्ती से एक राहदारी का रुख किया। राहदारी के आखिरी सिरे पर फर्श पर लोहे का बड़ा सा चौकोर ढकना था। मोमल ने मुझे बदस्तूर कंधे पर रखा और नीचे झुककर ढकना उठा दिया। यहाँ लोहे की उमूदी सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। मुझे कंधे पर मुतवाजन रखते हुए इन उमूदी सीढ़ियों से उतरना जो शेड लाने के बराबर था, मगर मोमल का फौलादी जिस्म इस काबिल था कि ऐसा कर गुजरे। लड़की लरस्ती कांपती हमारे पीछे ही पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी। आखिरी चंद सीढ़ियाँ रह गईं तो वो फिसली और हमारे ऊपर आन गिरी। हम तीनों ऊपर नीचे फर्शबोस हो गए। वो लड़की के पाँव पर शदीद चोट आई और बाकी का सफ़र उसे लंगड़ाते हुए हमारे पीछे पीछे तय करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी सुरंग थी जिसमें से पानी के बड़े बड़े पाइप गुजरते थे। उसके अलावा सीवरेज और कुदरती गैस के पाइप भी थे। मोमल बस चलता चला जा रहा था। कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे होते हुए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है क्या? वो चहका। उसकी आवाज़ ज़िंदगी की तवानाई से भरपूर थी। क्या हम यहाँ से निकल रहे हैं? निकलना इतना आसान नहीं। आप यूँ समझे कि हम इस गोरख धंधे के अंदर ही छुपने की कोशिश कर रहे हैं। करीबन 100 गज़ आगे जाने के बाद हमने फिर लोहे की सीढ़ियाँ देखी। मोमल ने मेरे समेत इन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उन सीढ़ियों की तादाद 50 से कम हरगिज़ नहीं थी। इसका मतलब था कि हम ज़मीन के अंदर कोई 50 फुट की गहराई में मौजूद हैं। ये सारी की सारी तामीर बिल्कुल नई नज़र आ रही थी। पानी और गैस के पाइपों पर नया नया रंग रोगन किया गया था। कहीं कहीं अब भी तामीराती सामान बिखरा हुआ था। बहरहाल को मुतनफ़्फ़िज़ दिखाई नहीं दे रहा था। मोमल की सारी हसासियत पूरी तरह बेदार थी। उनमें एक गैरमामूली हिस समात की भी थी। यूँ लगता था कि मोमल दूर दूर की आवाज़ें सुन रहा है और हमें महफूज तरीन रास्ते पर चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि मोमल थोड़ा सा हाँप गया है। बहरहाल किसी न किसी तौर ये मरहला भी मुकम्मल हुआ। हम एक वीरान तहखाने में आ निकले। उस तहखाने के एक गोशे में दो मैकेनिक टाइप अफराद पाइपों के स्क्रू वगैरह कसने में मसरूफ़ थे। वो हमसे काफ़ी दूरी पर थे और अपने काम में मगन थे। मोमल ने उनके वापस जाने का इंतज़ार किया और इस दौरान में मेरे और बॉब लड़की के हमरा एक गोल आहनी टंकी के पीछे छुपा रहा। तहखाना खाली हुआ तो हम कंक्रीट की 15-16 सीढ़ियाँ चढ़कर एक राहदारी में आ गए। ये वैसा ही माहौल था जिससे हम निकल कर भागे थे। सबसे ख़तरनाक चीज़ एक आवाज़ थी। सायरन से मिलती जुलती यह आवाज़ कहीं आसपास से उभर रही थी। मैंने यह आवाज़ मारिया ट्रस्ट पर भी कई बार सुनी थी। ये आवाज़ नीली वर्दी वाले बेरहम गार्ड्स को रेड अलर्ट करती थी और उन्हें बताती थी कि ट्रस्ट के अंदर कहीं कोई संगीन गड़बड़ हो गई है। कहीं मरवाना देना मोमल, मैंने उसके कान में सरगोशी की। अरे अपने इस खादिम पर आप भरोसा करें जनाब, वो शिस्ता उर्दू में बोला। उसकी पुरस्कार सलाहियतों की धाक एक बार फिर मेरे दिल पर बैठ गई। वो उर्दू दानों की तरह उर्दू बोल रहा था। मोमल की तमाम हसासियत किसी शिकारी दरिंदे की तरह बेदार हो गई थी। गले में झूलती हुई राइफल पर उसके दाएं हाथ की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। एक जगह उसने मुझे कंधे से उतार दिया। ये एक कालीन पोश कॉरिडोर था। सामने ही सागवान का एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। मोमल चंद लम्हों तक अपनी सांसें दुरुस्त करता रहा, फिर उसने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे घुमाया। हैंडल घूमा और दरवाज़ा खुल गया। अंदर नीलगू बल्ब की मध्यम रोशनी थी और टोमेटो केचप की तेज़ खुशबू आ रही थी। अचानक मुझे आहट महसूस हुई। मैंने देखा सामने कॉरिडोर से एक सुर्ख स्वेटर और नेकर वाला चौड़ा शक्ला शख्स बरामद हो रहा है। मैंने उसकी सूरत देखी और जहन में बजती हुई खतरे की घंटी की आवाज़ कुछ और तेज़ हो गई। मैंने उसे पहचान लिया था। ये भगोड़ा पुलिस ऑफिसर जैकब हार्ट था। उसकी खूंखार कार्रवाई को मैं कैसे भूल सकता था। उसने ब्रैडफोर्ड के नवा में अपने दर्जन भर साथियों को पलक झपकते में गोलियों से छलनी कर दिया था। यही शख्स हमारी यहाँ मौजूदगी का जिम्मेदार था। मुझे देखते ही जैकब की आंखें हैरत से फैली। उसका हाथ बेख्तियार अपने होल्स्टर की तरफ बढ़ा। मैं जस्ट करके उसके ऊपर गिरने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले ही मोमल तड़प कर मेरे और जैकब के दरमियान आ गया। रुक जाओ, रुक जाओ, वो अंग्रेज़ी में बोला। ये दोस्त है। मोमल ने दोस्त का खिताब जैकब हार्ट को दिया था। अब जैकब ने भी मोमल को देख लिया था और उसके तने हुए आसाब एकदम ढीले पड़ गए थे। अब वो एक नए अंदाज से मेरी तरफ देखने लगा। मोमल ने होंठों पर उंगली रखकर जैकब और मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसके बाद हम चारों यके बाद दीगरे कमरे में घुस आए। ये भी एक शानदार अपार्टमेंट था। ख्वाबनाक रोशनी में खाबगा का मंजर बाकी मनाजर से ज़्यादा हसीन लग रहा था। रेशमी बिस्तर के सिल्की लिहाफ के अंदर कोई जिस्म कलबला रहा था। वो यकीनन निस्वानी जिस्म था। खूबसूरत बलोरी तपाई पर ब्रोस्ट चिकन पीस, गोल मटोल डिनर रोल, चाइनीज़ चावल की अतखाई प्लेटें और कोल्ड ड्रिंक से निस भरे हुए ग्लास नज़र आ रहे थे।
लिहाफ के अंदर से एक सुरीली आवाज़ आई। अब आ भी जाओ ना स्वीटी, क्या करते फिर रहे हो? उसके साथ ही एक गोरा चिट्टा हाथ लिहाफ से बाहर आ गया। गालिबा लिहाफ नशीन औरत जैकब का हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे अपने करीब करना चाहती थी। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि कमरे का नक्शा बदल चुका है। जैकब ने बेड के पाए को ठोकर मारते हुए कहा, उठ जाओ। लिहाफ नशीन फिर भी नहीं समझी। वो लिहाफ के अंदर से ही बोली, कैसे सायरन थे स्वीटी? तेरी माँ के स्कर्ट में आग लग गई थी, इसलिए सायरन बजाए जा रहे थे, जैकब डपट कर बोला। उसके साथ ही उसने एक और ठोकर बेड को रसीद की। इस बार वो उछल कर बैठ गई। लिहाफ उसने बड़ी मजबूती से अपने सामने थाम रखा था और उससे पता चलता था कि लड़की और हमारी नज़रों के दरमियान सिल्की लिहाफ के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, वो लड़की ही थी। शक्ल सूरत अच्छी थी, बाल घूंघरियाले, आंखें हल्की सब्ज थीं। उसका चेहरा लिहाफ की हरारत और अंदरूनी तमाजत से तमतमाया हुआ था। जैकब ने उसे फ़ौरन अंदरूनी कमरे में भेज दिया। वो लिहाफ अपने गिर्द लपेटती हुई हैरानी के आलम में चली गई। ये सब क्या है? वो आंखें फाड़ कर बोला, जो कुछ भी है आपके सामने है, मोमल ने इंग्लिश में जवाब दिया और उसके साथ ही जैकब का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। दोनों करीबन 5 मिनट तक खुसर खुसर करते रहे। इस दौरान में बॉब लड़की डरी सहमी खड़ी रही। उसने मखमली चादर के गिरह को बड़ी मजबूती से थाम रखा था। 5 मिनट बाद जब मोमल और जैकब वापस आए तो जैकब का अंदाज दोस्ताना नज़र आ रहा था। वो हम तीनों को छोटे से कॉरिडोर में से गुजार कर एक मुस्ततील कमरे में ले गया। ये कमरा तुम तीनों के लिए हर तरह से महफूज है। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद रखो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर हालात का जायज़ा लेता हूँ। इस दौरान में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर मैगी से बात कर लेना, मैगी यहीं पर है। फिर वो ख़ास तौर पर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। जैकब अपने गैर मामूली तौर पर चौड़े जबड़ों को सहलाता हुआ बाहर चला गया। मैं हालात के तगैर पर हैरान हो रहा था। जैकब ही वो शख्स था जो हमें पकड़कर यहाँ लाया था। अब वो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर रहा था और हम उसकी पनाह में थे। ये बात बिल्कुल आया थी कि मोमल से जैकब का गहरा ताल्लुक था। ये क्या ताल्लुक था, अभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मोमल मेरे उरियां बदन के जख्मों को देख देख कर हैरान हो रहा था। बहरहाल वो समझ गया था कि ये कीबोको की कारस्ता